उत्तर प्रदेश के अमरोहा में स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन के नाम से एक मार्ग का नामकरण हुआ है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन के नाम से मार्ग का नामकरण किया गया है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर बोलते हुए कहा कि विपक्ष बेरोजगार है और उनको 2014, 2017 और 2019 की हार से भी अगर सबक नहीं मिला है तो उपचुनाव 2022 के चुनाव में भी जनता सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि अमरोहा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उन्होंने 75 करोड़ की कीमत की बनी 44 सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उपचुनाव को लेकर भी भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। डिप्टी सीएम ने स्वर्गीय पूर्व कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के नाम से एक मार्ग का नामकरण किया। इस दौरान उन्होंने अमरोहा की नोगावा विधानसभा से समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल मिलकर चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि सबने मिलकर लड़कर देख लिया है, लेकिन समझ लो उनका भविष्य संकट में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास तीव्र गति से हो रहा है, जो गुंडे माफिया अपराधी है, भूमाफिया है, उन पर कानूनी तरीके से कार्यवाही की जा रही है। किसानों के धरने को लेकर कहा कि किसानों का धरना मुद्दा विहीन है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा कि वह किसान के बेटे हैं और किसान का दर्द भी जानते हैं। जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तब तक ना तो किसानों का अहित होगा और ना ही गरीबों का अहित होगा। इस कृषि सुधार विधेयक के आधार पर किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। रेलवे ओवर ब्रिज भी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उसके लिए भी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अभी सेतु निगम से संबंधित अधिकारी उनको निर्देश दे दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर विकास तीव्र गति से हो रहा है, जो गुंडे माफिया अपराधी हैं, भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो प्रभावशाली ढंग से चल रही है, आगे भी होती रहेगी। हमारा लक्ष्य गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश हो, भयमुक्त रह करके लोग अपना जीवन यापन करें और सर्वांगीण विकास, सभी जिलों का विकास, सभी क्षेत्रों का विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। धन्यवाद। किसानों ने यहाँ नो एंट्री के बोर्ड लगाए हैं, धरना भी है उसको लेकर। देखिए, किसानों को विपक्ष मुद्दा विहीन है और वह किसानों को गुमराह कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान का दर्द भी जानता हूँ, और मैं पूरे दावे के साथ यहाँ पर कह रहा हूँ, जब तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, ना तो गरीबों का हित हो सकता है, ना किसानों का हित हो सकता है। और यह जो कृषि सुधार विधेयक है, इस विधेयक के आधार पर किसानों के जीवन में खुशहाली आएगी। धन्यवाद। चौहान जी जो हमारे कैबिनेट के साथी थे, वह बहुत विकासवादी सोच के व्यक्ति थे। उन्होंने अमरोहा ही नहीं, प्रदेश के विकास में, देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है। आज उनके नाम से हमने अमरोहा जनपद की सड़क का नामकरण किया है, और हम यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि जिस प्रकार से 2014, 2017 में अपना आशीर्वाद हमें दिया, उसी प्रकार से 2020 के उपचुनाव में भी अपना आशीर्वाद दें, ऐसा हम अपील करके जाते हैं। आपको भी शामिल किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीत करके ले आते हैं ऐसे खिलाड़ियों के घर तक, और जो हमारे देश के लिए बलिदान होने वाले सैनिक हैं उनके सैनिकों के घर तक गौरव पथ का नाम देते हैं। मेधावी बच्चों के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम गौरव पथ, और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके लिए जो नाम देते हैं मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ, और जो हमारे बलिदानी सैनिक हैं जय हिंद वीर पथ के नाम से मार्ग का निर्माण। मंत्री जी, अभी तो बने नहीं, 2 साल हो गए उन बच्चों का, जो बच्चा कोई ऐसा बच्चा होगा तो आप हमारे जिलाध्यक्ष जी को, हमारे प्रभारी मंत्री जी को, हमारे विधायक जी को, पूरे प्रदेश के कोई ऐसा होगा आप दे दीजिएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके लिए ना पैसे कमी है और ना कमी होने देंगे। धन्यवाद। ये तो हम पारदर्शिता लाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ बसपा और जो है लोग वो सपा और लोकदल जो है मिलकर चुनाव लड़ने वाली, सब मिलकर के लड़ करके सब देख लिए हैं, लेकिन अब आप समझ लीजिए उनका भविष्य बहुत संकट में है, इसलिए वो इस प्रकार के मैसेज देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि चेतन चौहान जी को सच्ची श्रद्धांजलि नौगांव क्षेत्र की जनता देगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.